हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग सीखने वाले एक ओल्ड सॉन्ग जिसका नाम है अजीब दास्ता है। ये काफ़ी मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी इस सॉन्ग को लेकर के, तो आई थॉट एक वीडियो बना देता हूँ मैं इसके ऊपर। एंड जैसे आपने देखा ही होगा कि बहुत ईजी है इसको प्ले करना गिटार पर। जैसे मैंने प्ले किया अभी, काफ़ी ईजी तरीके से आप लोग इसको भी प्ले कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मैं रिटर्न टाइप्स की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग रिटर्न टाइप्स को रेफ़र कर सकते हो, उससे आपको और ज़्यादा आसानी जाएगी। दूसरी बात ये कि जो भी मेंबर्स हैं मेरे इस चैनल के, उनके लिए ये वाला बैक ट्रैक जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आप लोग ये टैब सीखने के बाद उस बैक ट्रैक को प्ले करोगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे इन टैब्स को, ठीक है? उससे आप लोग जो है और ज़्यादा मेलोडियस वे में इसको सीख पाओगे। बाकी जो भी नॉन मेंबर्स है वो भी अगर बैक ट्रैक्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जो कि मैं अपने वीडियोज़ में प्ले करता हूँ बैक ट्रैक्स, उसके ऊपर आप इन टैब्स को प्ले कर सकते हो। तो उसका सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर आप क्लिक करके ले सकते हो, एंड बैक ट्रैक्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा, जो भी बैक ट्रैक मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोज़ में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेसन के साथ। सबसे पहली लाइन में प्ले करके दिखाता हूँ कैसे प्ले करना है। ठीक है, ये स्टार्ट होगा फिफ्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, 5-3-5-3। उसके बाद फिफ्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग का, फिर से 3 सेकंड स्ट्रिंग का, फिर 5 थर्ड स्ट्रिंग का, फिर 3 सेकंड स्ट्रिंग का, और स्लाइड डाउन करेंगे 5 पे। क्या प्ले कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, फर्स्ट लाइन हो गई यहाँ पे, सेकंड लाइन ऐसे प्ले करना है। सिमिलर ही है काफ़ी, बस एंड में जो हम स्लाइड करते हैं, स्लाइड ना करते हुए सिर्फ 3 पे रोक दे ख़त्म करना है। फिर भी मैं एक बार स्लोली आपको बता देता हूँ। 5-3-5-3 करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग पे, फिर 5-3 सेकंड स्ट्रिंग पे, फिर 5 थर्ड स्ट्रिंग पे, फिर थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे, एक स्ट्रोक देके ख़त्म करेंगे। तो पहले दो लाइन कैसे प्ले की हमने? ठीक है, हो गया तो क्लियर है आपको। अब थर्ड लाइन, ये मंजिल है कौन सी, सॉरी। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा फिफ्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे, 5-3-5-3, फिर 5 थर्ड स्ट्रिंग का, 4, सॉरी ऐसे, फिर 2, फिर 4 पे शोक देंगे, स्लाइड अप करेंगे 2 पे थर्ड स्ट्रिंग के। क्या प्ले कर रहे हैं हम लोग थर्ड लाइन के लिए? आई होप ये भी लाइन क्लियर है आपको। उसके बाद ये होगी हमारी फोर्थ लाइन, ना वो समझ सके ना हम। तो फिर से स्टार्ट होगी फर्स्ट स्ट्रिंग, 5-3-5-3 करना है, फिर 5-3 करेंगे सेकंड स्ट्रिंग पे, फिर 2 स्ट्रोक देना है फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे। ठीक है, अब ये क्लियर है। अभी ये चारों लाइंस को जो और एक बार प्ले करना है, तो हम लोग एक काम करेंगे, साथ में स्लोली प्ले करेंगे। ओके, आई होप ये लाइन भी क्लियर है आपको, चारों लाइंस सीख लिया आपने। इसके बाद जो स्टैंजा आता है ये रोशनी के साथ क्यों दुआ उठा चेहरा से, अब ये जो हम टाइप्स प्ले करने वाले हैं स्टैंजा के लिए, आने वाले सारे स्टैंजास के लिए सेम है। जैसे हम जैसे प्ले कर रहे हैं ये रोशनी के साथ, ठीक है। अब इसके बाद का जो स्टैंजा है मुबारक है तुम्हें के तुम, उसके लिए भी सेम ही टाइप्स प्ले करना है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो मैं एक ही बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप जो है रेस्ट ऑफ द सॉन्ग के लिए सेम टाइप रिपीट करेंगे। तो पहले प्ले करके साथ कैसे प्ले करना है ये रोशनी के साथ क्यों। ठीक है, स्टार्ट होगा फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे, 3 सेकंड स्ट्रिंग का, 5, 6,
फिर से 5/6 सेकंड स्ट्रिंग पे, अब दो स्ट्रोक देंगे थर्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे और स्लाइड डाउन करेंगे 6 पे। ठीक है, आई होप फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई आपको। उसके बाद तो ये लाइन स्टार्ट होगी फर्स्ट स्ट्रिंग पे, 5/3/5/3 करना है फिर से। अब दो स्ट्रोक देंगे 6th थ्रेड सेकंड स्ट्रिंग पे, फिर 5th थ्रेड फर्स्ट स्ट्रिंग का, इसके बाद थर्ड फ्रेट पे स्ट्रोक देंगे, हैमर पुल ऑफ करेंगे 5 पे ऐसे। ठीक है, क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग सेकंड लाइन के लिए। अब दोनों लाइंस को जो एक और बार रिपीट करना है तो स्लोली साथ में प्ले करते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया तो क्लियर है। उसके बाद तो ये स्टार्ट होगा 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे दो स्ट्रोक के साथ 5/7। अब दो स्ट्रोक देना है 5 पे, स्लाइड डाउन करेंगे 7 पे, फिर से 5 3 पे स्ट्रोक देके स्लाइड अप टू 1 ऐसे। उसके बाद ठीक है, तो ये जो फोर्थ लाइन है इसकी तो मैं टैब्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ना वो समझ सके ना हम, ये जो लाइन है ना वो समझ सके ना हम, उसके लिए हमने जो टैब्स प्ले किए थे वही टैब्स रिपीट करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो चारों लाइन्स है इस स्टैंजा के वो साथ में फिर से रिपीट करके देखते हैं, साथ में स्लोली प्ले करेंगे हम लोग। ठीक है, अब तो क्लियर, इसके बाद फिर से रिपीट करेंगे, अजीब दास्ता है ये, सॉरी वो पूरा पार्ट रिपीट करना है इसके बाद। ठीक है, तो या कैसे दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस गाने के टाइप सीखने में। कोई भी डाउट्स कन्फ्यूजन या रिक्वेस्ट हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम में टच में आ सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम मैंने यहाँ पे ऊपर देके रखी है, टच में आ सकते हो। एंड या प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।